वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बारे में। तो देखिए, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें आखिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, क्या कुछ बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए मैथ्स को प्रिपेयर करते समय। क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आखिर हमारे क्लास 10th में हाफ ईयरली एग्ज़ाम का क्या कुछ इंपॉर्टेंस है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा कर के पहले उसको देख लें, देन हम अपना वीडियो शुरू करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि आखिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम में मैथ्स को हम कैसे प्रिपेयर करें, क्या कुछ हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए ताकि हम मैथ्स में मोर देन 90% मार्क्स स्कोर कर पाएँ। देखिए, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि जो आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम है वह 15 सितंबर के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादातर स्कूल्स में आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम 15 सितंबर के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ही स्कूल इंडिया में ऐसे हैं जो 15 सितंबर से पहले अपना हाफ ईयरली एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं, नहीं तो मोस्ट स्कूल्स जो भी हैं हमारे कंट्री के, उन लोगों में जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है वो 15 सितंबर के बाद ही स्टार्ट होगा, या फिर 15 सितंबर से क्या लो एक दिन बाद या 2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद। तो हम लोग के पास जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मुश्किल से अपने पास 20 दिनों का समय है, 20 डेज, या फिर क्या लो आपके पास 15 डेज का ही समय है आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इन 15 डेज में हमें अपने सभी चैप्टर्स को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि हम लोग मोर देन 90% मार्क स्कोर कर पाएँ। देखिए, यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं। जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, अगर इनको ध्यान से देखा जाए, आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स होंगे, अगर आप अपने क्लास को ही कंपेयर करते हैं तो आपकी क्लास में 3 टाइप के स्टूडेंट्स इस समय होंगे। ठीक है, तो पहले तो हम ये समझें कि आखिर हम लोग का क्या ट्रिक होगा, कैसे हम अपने सब्जेक्ट इस मतलब कि कम टाइम समय में अपने मैथ्स को हम अच्छे से प्रिपेयर करें। लेकिन उससे पहले हम लोग पहले इसको समझेंगे। देखिए, होता क्या है कि हमारे क्लास में 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, 3 टाइप्स के। कौन कौन से? तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम को, देखो पहले तो कैटेगरी डिवाइड कर लेंगे, 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। तो आखिर कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि 3 टाइप के स्टूडेंट्स कौन होते हैं। जो आपका क्लास होता है, चाहे आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, आपकी क्लास में 3 टाइप के स्टूडेंट्स आपको दिख जाएंगे। कौन कौन से होते हैं? पहले तो वो होते हैं कि यह स्टार्टिंग से ही, ये जब इन्होंने क्लास 9th में पढ़ा होगा या फिर क्लास 10th पढ़ा होगा, तभी से इन्होंने क्या कर लिया होगा, अपने क्लास को सीरियस लेना शुरू कर दिया होगा, अपने सभी चैप्टर्स को प्रिपेयर करना, उनका नोट्स बनाना, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना, यानी हर एक टॉपिक काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे होंगे और अपने आप को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ये ऐसे होते हैं, फर्स्ट कैटेगरी वाले होते हैं, जो क्या होते हैं, ये भाई इनको लोग 90% वाले रेंज में रखते ही हैं, या हर बार क्लास में मोर देन 90% मार्क स्कोर करते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप वाले ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के 10 दिन पहले पढ़ना शुरू करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि अब इन्होंने देखा कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाला है और ये सीरियस हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये सीरियस होंगे, ये लोग अपने 10 दिनों के पढ़ाई में 80% मार्क स्कोर कर जाते हैं, 80% से ज़्यादा, या फिर 70-80% के बीच में। और थर्ड ऐसे होते हैं जो इन दोनों के भरोसे होते हैं, यह देखते हैं कि भाई जो भी आपके क्लास का कोई लड़का है, मान लीजिए कोई लड़का भी क्लास का अमित है, जो टॉपर है, तो ये लोग सोचते हैं काश हमारे बगल में वो बैठ जाए ताकि एग्ज़ाम में हमें थोड़ा बहुत हेल्प कर देगा, हम पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे होते हैं जिनका मार्क्स 60% के आसपास में आता है, थोड़ा बहुत ही खुद से पढ़ के और थोड़ा बहुत इधर उधर से नकल करके ये लोग 60% तक पहुँच जाते हैं। ये लोग कभी सीरियस नहीं रहते हैं, ये पढ़ाई को मतलब सीरियसली लेते ही नहीं हैं, इनके दिमाग में होता है चलो यार एग्ज़ाम आएगा, नकल करके नंबर ले लेंगे। और ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम को क्या कहेंगे, हाफ ईयरली एग्ज़ाम को के बारे में इनके दिमाग में कोई टेंशन ही नहीं होगा, हाफ ईयरली एग्ज़ाम को सीरियसली लेंगे ही नहीं, इनके दिमाग में एक ही चीज़ होगा कि चलो यार बोर्ड एग्ज़ाम आएगा तब हम पढ़ेंगे। तो ये तीसरे कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं जो 60% मार्क्स तक स्कोर कर पाते हैं। तो आप ऐसा नहीं कि जो 60% वाला स्टूडेंट है वह इस कैटेगरी में नहीं आ सकता है और ये वाला इसमें नहीं जा सकता है, ये वाला भी डायरेक्ट इसमें जंप कर सकता है। बस करना क्या है कि हमें रेगुलर डेली बेसिस पे मेहनत करना पड़ेगा, हमें डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, अगर देखा जाए कंपेयर करें तो ये लड़का इनसे ज़्यादा स्मार्ट है, जो 60% मार्क स्कोर कर रहा है वो इनसे ज़्यादा स्मार्ट है। इसलिए स्मार्ट है क्योंकि एग्ज़ाम के दिन पढ़ता है, एक दिन पहले पढ़ता है और 60% मार्क स्कोर कर पाता है, बट ये लोग रेगुलर पढ़ाई करके 90% स्कोर करते हैं।
तो अगर ये डेली पढ़ना शुरू कर दे, जो थर्ड बॉय है ये डेली पढ़ना स्टार्ट कर ले, डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, डेली पढ़ाई करे, तो ये भी 90% मार्क स्कोर कर पाएगा। ये 60 से 80 आ सकता है, 80 से थोड़ा सा मेहनत करके 90 पहुंच सकता है। तो बस यही हमारे क्लास की स्ट्रक्चर होती है, इस टाइप की हमारे क्लास में हमारे फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स होते हैं। तो हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि आखिर हमें मैथ्स को कैसे प्रिपेयर करना है। ये तो आपके क्लास का स्ट्रक्चर है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, एक दिन 10 दिन पहले पढ़ने वाले हैं, एक दिन पहले पढ़ने वाले हैं, या फिर रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। देख लो यार, अगर तुमको इस कैटेगरी में से इसमें शिफ्ट होना है, या फिर इसमें से इसमें आना है, इसमें से इसमें जाना है, तो हमें डेली मेहनत करना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बहुत ही वीक स्टूडेंट हो या फिर ये बहुत ही वीक स्टूडेंट है। बस अंतर क्या है तीनों में, कि ये डेली पढ़ाई करता है, डेली प्रैक्टिस करता है, ये 10 दिन पहले सीरियस होते हैं और ये एग्जाम के एक दिन पहले सीरियस होते हैं। तो अगर ये भी डेली सीरियस हो जाएं तो यहाँ पहुँच सकते हैं। तो आप अपने आप को ऐसा चेंज करो, अभी भी आपके पास 20 दिनों का समय है, अगर आप आज से भी मेहनत करना शुरू करते हैं तो आप 100% 90% मार्क स्कोर कर जाएंगे। और आप हाफ ईयरली में 90% स्कोर करते हैं तो इसके क्या कुछ बेनिफिट हैं, आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके इसको देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देन अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे, कि आखिर हमें मैथ्स को कैसे प्रिपेयर करना है, कितने चैप्टर्स आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहे हैं, क्या कुछ हम करके काफ़ी कम समय में अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए है क्या कि जो आपका मैथमेटिक्स का इस बार का क्लास 10th का सिलेबस है, इसमें टोटल 15 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 15 चैप्टर्स हैं आपके पूरे मैथमेटिक्स के सिलेबस में। अब इन 15 चैप्टर्स में से हाफ ईयरली का मतलब ये हुआ कि आपका हाफ सिलेबस आना चाहिए। तो अगर 15 को हम हाफ करें, 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये 7.5 चैप्टर्स कितने आते हैं? 7.5, यानी आपका हाफ सिलेबस हुआ 7.5 चैप्टर्स। अब भाई कोई पॉइंट चैप्टर हम थोड़े ना पढ़ेंगे, और चैप्टर हम पढ़ेंगे तो पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। तो या तो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में इस बार 7 चैप्टर्स आ रहे होंगे मैथ के, या फिर 8 चैप्टर्स आने वाले होंगे। अब ये चैप्टर्स कुछ भी हो सकते हैं। कुछ भी कहने का मतलब क्या है कि हर स्कूल का हाफ ईयरली का सिलेबस अलग अलग होता है, क्योंकि जो आपका हाफ ईयरली का सिलेबस है या कोई बोर्ड डिसाइड नहीं करता है, या आपके स्कूल के आपके सब्जेक्ट के टीचर डिसाइड करते हैं कि हमें हाफ ईयरली एग्जाम में कितने चैप्टर्स को देना है। ठीक है, तो ज़्यादातर स्कूल्स में 7 चैप्टर, 8 चैप्टर या फिर 10 चैप्टर तक आपके हाफ ईयरली एग्जाम के मैथमेटिक्स के सिलेबस में आने वाले होंगे। और जाहिर सी बात है कि आपका जो क्लास है पिछले चार महीनों से चल रहा है, पूरा के पूरा आपका अप्रैल चला होगा, 15 मई तक चला होगा, जुलाई और अगस्त, तो देखा है तो लमसम आपका जो क्लास है उसको चलते हुए 100 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, यानी आपने अभी तक 100 दिनों की पढ़ाई की है। तो एनसीईआरटी को हम बेस मानते हैं तो 100% अभी तक आप लोगों ने कम से कम 7 चैप्टर तो अच्छे से कंप्लीट कर ही लिया होगा, अगर आपके स्कूल में थोड़ा भी सीरियसली पढ़ाई हो रही होगी तो 100% आप लोग 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे। तो ये जो 7 चैप्टर्स हैं, यही आपके मान लीजिए कि इस बार हाफ ईयरली क्लास 10th मैथमेटिक्स का सिलेबस है। अब हम बात करते हैं कि आखिर हमें इन्हें प्रिपेयर कैसे करना है। तो अगर आपने पढ़ाई किया होगा तो आपका जो ये 7 चैप्टर्स जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले हैं, 7 से 8 चैप्टर, अब मैंने बोला ये कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आपका 1 to 7 चैप्टर का ही सिलेबस हो स्टार्टिंग से, रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रेंट ज्योमेट्री हो, लगातार हो, स्टार्टिंग से 1 to 7 चैप्टर हो, या हो सकता है कि बीच बीच में कोई चैप्टर स्किप करके पढ़ाए गए हों, किसी का चैप्टर 8 आ रहा हो सिलेबस में, किसी का चैप्टर 9 आ रहा हो, किसी का 10 आ रहा हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको आप देख लेंगे। लेकिन हम लोग 1 to 7 या फिर 1 to 8 चैप्टर की बात करते हैं, कि मान लेते हैं कि हम लोग का सिलेबस आकर लिख क्या है कि हमारे एग्जाम में 1 to 8 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो अगर आप अपने इन 1 to 8 चैप्टर्स को आप चाहें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपको अभी तक काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो चुके होंगे, क्योंकि अभी आपने एक महीने पहले या फिर 10 दिन पहले आपका PT1 यूनिट टेस्ट हुआ है, क्वार्टरली एग्जाम हुआ है, तो 100% उसमें आपने कुछ चैप्टर्स को प्रिपेयर किया होगा। तो उन चैप्टर्स को आप चाहें तो लेफ्ट साइड में मार्क कर सकते हैं, ऐसे चैप्टर्स यहाँ नोट कर सकते हैं जिनको हमने प्रिपेयर कर लिया है, 2, 3 या 4 जो भी चैप्टर्स हैं। बाकी जो चैप्टर्स बचे हैं उनकी अभी आपकी क्लास में पढ़ाई चल रही होगी या फिर अभी हो रही होनी बाकी होगी, तो उनको आप इस साइड मार्क कर लें। देन
अब देखें आपकी कौन आखिर हमें ये चैप्टर्स प्रिपेयर हैं, तो हमें इनमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अब जो बचे हुए चैप्टर्स हैं इनमें आप ज़्यादा समय खर्च करें। ज़्यादा समय खर्च करने का मतलब क्या है कि इनको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ें। अब अच्छे से पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो हमें इनके इन चैप्टर्स के लिए क्या फॉलो करें, एनसीईआरटी फॉलो करें और ऐसा पढ़ें कि जैसे हमें मान लीजिए कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम देना है, हमें बोर्ड एग्ज़ाम देने जाना है, उस टाइप से हम इन चैप्टर्स की प्रिपरेशन करें ताकि जब हमें बोर्ड एग्ज़ाम देना हो उस समय ज़्यादा इनमें प्रॉब्लम हमको फेस ना करना पड़े। आप एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यूज़ ऑफ इन चैप्टर्स के कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो इन कम टाइम पीरियड में आप सबसे बेस्ट काम यही कर सकते हैं कि आप अपने पहले वीक और कह सकते हैं कि स्ट्रांग पॉइंट्स को पहचानें, वीक और स्ट्रांग चैप्टर्स को डिसाइड कर लें कि आपका वीक चैप्टर कौन सा है और स्ट्रांग चैप्टर कौन सा है। जैसे जो आप पहले पढ़े होंगे इनमें से आपके स्ट्रांग चैप्टर्स होंगे, और जो अभी पढ़ रहे हैं वो वीक चैप्टर्स हैं, इन पर आप ज़्यादा फोकस करो, इन पर ज़्यादा समय दो, इनके ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करो, एग्जाम्पल करो, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने चैप्टर्स को डिवाइड मार लें और उनको आप प्रिपेयर करना शुरू कर दें। और साथ ही साथ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 15 डेज का एक टाइम टेबल दिया गया होगा कि आप 15 डेज में अपने फुल मैथ्स के सिलेबस को कैसे रिवाइज करें। तो आप जा करके उसको डाउनलोड कर लें और उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान को आप एग्जीक्यूट करें। और आप उसको फॉलो करते हैं तो आप 100% अपने इन 15 डेज में अपने मैथ्स के होल सिलेबस को आप रिवाइज कर जाएंगे। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसका नाम है मैथ एक्सेस टू। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत जल्द जितने भी आपके हाफ ईयरली के चैप्टर्स हैं, अगर आपके हाफ ईयरली में कुछ और सिलेबस है, कोई और चैप्टर आ रहा है, तो आप हमें बता सकते हैं। इन सभी चैप्टर्स का के सभी फार्मूलों का एक शॉर्ट रिविज़न प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ ही साथ एनसीईआरटी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू।